अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आई वाज सो बिज़ी लास्ट मंथ, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं कोई व्लॉग बनाऊँ या फिर उसको एडिट करूँ। इवन मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी बहुत कम, अब इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अब से जो है मैं अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब जो है चलाती रहूँ। क्योंकि यार मैं फुल टाइम देना चाहती हूँ दोनों चीज़ों को, यूट्यूब को भी, इंस्टाग्राम को भी, बट वो नहीं हो पा रहा है कुछ चीज़ों की वजह से। तो क्योंकि इंसान बिज़ी हो जाता है एंड इट्स नॉर्मल आई गेस। तो खैर, मैं अब कोशिश करूँगी कि अब ऐसा ना हो और आप लोग को मेरे व्लॉग्स और मेरी जो इंस्टाग्राम पे मेकअप वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें, ट्रांजिशन वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ वो। तो कंसिस्टेंट रहेंगे अब इंशाल्लाह ताला, कोशिश करूँगी मैं कि आप लोग के लिए कंसिस्टेंट रहूँ। अभी जो मैं क्लिप्स डालने वाली हूँ अपने इस व्लॉग में, वो मेरी जो है, मैंने 8th of July को मैंने फ़िल्म की थी, फ़िल्म किया था अपना वो व्लॉग, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको एडिट करूँ बैठ के और फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो अभी मैंने जो है एडिट कर लिया है वो, फाइनली मुझे टाइम मिला है। तो वो आगे मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ, ठीक है? वो किस बारे में है व्लॉग वो आपको आगे जाके ही पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड और स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और बीच बीच में कुछ क्लिप्स मिसिंग है तो मैं आपको उनकी स्टोरी भी बीच बीच में बताती रहूँगी, ठीक है? तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आइए, चलिए देखते हैं हमारा आज का व्लॉग। आज 8th July है, यानी हमारी निकाह एनिवर्सरी है। तो आज हम छोटी सी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं बाहर किसी अच्छी जगह पे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 2 मिनट में तैयार होके। हाँ जी, तो हो गई मैं तैयार और मेकअप वेकअप हर चीज़ डाल हो गई। बस अब निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है, 8 होने वाले हैं। तो बस मैं कमरा थोड़ा सा सेट करती हूँ, मैं सोया हुआ कमरे में, और बस निकलते हैं। जी, तो हम लोग आए हुए हैं एंटीक कैफे पे और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही गहरा डेकोरेट किया हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, मैं आप लोग को अभी एक चीज़ बताती हूँ जो मेरे साथ अभी सीन हो गया। पता नहीं, हमेशा मेरे साथ सीन ही क्यों होता है और बैड सीन ही होता है, कोई अच्छा सीन नहीं होता। निकालती हूँ ये, देखो यार ये क्या हो गया, मैं कैसे जाऊँगी घर, मेरी चप्पल टूट गई। ये अब मुझे बताओ क्या इसका सोल्यूशन क्या है, अब इसको हाथ में लेके जाना पड़ेगा, कितना बुरा लगेगा ना। तो देखिए आपने क्या बैड सीन हुआ मेरे साथ, और हमेशा मेरे साथ यही बैड सीन होता है। तो
से खैर अब सस्ता हाथ तो में है। लेके जाना पड़ेगा, और बस अब खाना खाते हैं और खाना खाने जाते हैं। तो जैसे खाना आता है मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने क्या ऑर्डर किया है, सो स्टे ट्यून्ड। जी तो हमारा स्टार्टर आ चुका है, स्टफ्ड प्रॉन्स। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, सो नाइस। ये इसकी जो है सॉस है, ये सैलेड है साथ में, और ये प्रॉन्स है। मतलब कि आई लव प्रॉन्स, प्रॉन्स मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे कोई सारी जिंदगी के लिए भी प्रॉन्स दे देना मैं खाती रहूँगी। मुझे इतने पसंद है प्रॉन्स, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे से कुक हुए हुए हैं, बहुत अच्छे से स्टफ हुई हुई है इसमें चीज़, एंड आई लव इट। 10 out of 10। हमारी जो है डिशेस आ चुकी हैं, ये अल्फ्रेडो पास्ता और साथ में मोरक्कन चिकन, ये है पीच मार्गरिटा, और ये है हमारा ट्रॉपिकल ब्लू हेवन। हाँ जी, तो यहाँ पे एक क्लिप मिसिंग है जिसमें मैं रिव्यू देना भूल गई थी अल्फ्रेडो का और मोरक्कन चिकन का। तो जहाँ तक बात की जाए मोरक्कन चिकन की, तो इट वाज़ 5 out of 10, मतलब सही था, इतना कोई ख़ास नहीं था। और जहाँ तक बात की जाए अल्फ्रेडो की, तो इट वॉज़ सो बैड, बहुत ही बुरा था, बिल्कुल भी अल्फ्रेडो वाली बात नहीं थी उसमें। कहाँ अल्फ्रेडो, कहाँ उन लोगों ने वो पता नहीं अजीब सा पता नहीं क्या बना के दे दिया था। और कभी भी आप अल्फ्रेडो पास्ता में सैलेड नहीं डालते हो, तो उन्होंने पूरा सैलेड थोप के डाला हुआ था उस पर, और बहुत बुरा था। आई मीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर हमने उनसे कंप्लेन की, हमने बोला कि भाई खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, जितना आप लोग ने हमसे पेमेंट ली है तो उसके हिसाब से। इट वॉज़ सो 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 डिसअपॉइंटिंग एंड सो बैड, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। खैर तो हमने जब कंप्लेन की उनसे, तो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री एक लंच ऑफ़र किया, जो कि वो भी हम सोच रहे थे कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चलो कॉम्प्लीमेंट्री है, बंदा चला जाता है, मुफ्त का है, बट फिर भी यार उनका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। और फ़ायदा नहीं है ना, मतलब अच्छा ही ना लगे जब खाना, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री का भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए फिर हम अभी तक तो नहीं गए, क्योंकि एक महीना हो गया पूरा, और अब हमारा शायद प्लान भी ना हो दोबारा वहाँ जाने का। लेकिन अगर हुआ तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी, ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि उस दिन फिर कैसा होगा खाना, वो आपको पता चलेगा। तो बस यही था, फिर बस हम खाना खा के निकले बाहर, और बाकी का व्लॉग आप लोग आगे इन्जॉय कीजिए। हाँ तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ अपना व्लॉग आज का, और आई होप सो कि आप सबने एंजॉय किया होगा मेरा एनिवर्सरी व्लॉग। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा, और दैट्स इट। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देते हुए जाइएगा, सो आई वुड बी सो हैप्पी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।